बाईस का बिगुल बज चुका है और इस वक्त समाचार भारत 302 सोहरतगढ़ विधानसभा में आ पहुंचा है और विधानसभा का माहौल क्या है आज हम ये यहाँ पे हमारे साथ तमाम जनता है और इनकी नब्ज को हम टटोलेंगे। 2022 को चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, सबसे पहले तो हमारे साथ देखिए क्या माहौल है। 2022 का चुनाव है, किस मुद्दे पे चुनाव देंगे, किस पार्टी को वोट देंगे, हम तो बताएंगे क्या स्थिति है। 2022 में किसकी सरकार बनेगी, देखिए 2022 का चुनाव है, विधानसभा का माहौल क्या है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार को उखाड़ फेंकना चाहती है। ये किसानों का क्षेत्र है, 500 रुपए में से ज्यादा में यूरिया मिल रहा है और वो भी जो है चोरी छुपके मिल रहा है, 200 रुपए में कड़ुआ तेल मिल रहा है, 1200 रुपए में धान बिक रहा है और 2022 में मोदी जी ने कहा था कि किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, 22 आ गया है, 1200 रुपए में धान बिक रहा है, इसलिए जनता इनको उखाड़ फेंकेगी और अखिलेश यादव की सरकार होता है। 302 सोहरतगढ़ विधानसभा का क्या माहौल होगा, माहौल यही है, यहाँ बदलाव है निश्चित रूप से, समाजवादी पार्टी यहाँ कहाँ बदलाव है, MIM दाब रखा है, समाजवादी दाब सपा दाब रखा, बसपा दाब रखा, मुस्लिम वोट तो डिवाइडेशन होगा, फिर कहाँ आप कट पड़े हैं। MIM को तो कोई मूर्ख है वोट देगा, और बसपा का कोई अब आधार बचा ही नहीं। क्या कह रहे हैं चाचा, 2022 में सोहरतगढ़ विधानसभा का क्या माहौल होगा, जी सोहरतगढ़ का जो माहौल है इस समय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जो भी है, जितने भी उन्होंने प्रतिज्ञा ली है उसके अगर निहत देखा जाए तो पहला प्रतिज्ञा उनका है कि 40% महिलाओं का आरक्षण दिया जाएगा सीट के मामले में, तो पहला प्रतिज्ञा पूरा हो रहा है। अच्छा, पहला प्रतिज्ञा पूरा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाला विधानसभा यहाँ से कांग्रेस पार्टी निकाली और 2022 में कांग्रेस पार्टी तो हास्ये पे है, जब चुनाव आता है तभी मेढक के तरीके से बात। मैंने कौन कहता है हास्ये, आप बताइए कि समाजवादी के लोग 4 साल पहले कहां थे जब हम लखीमपुर में और उन्नाव में हाथरस में जब कांड हुआ था तो कांग्रेस के कारण लोगों ने प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी केवल कांग्रेस दिख रही है यूपी में, जाकर के वहां जाने का काम किया, दलित बेटी के साथ अन्याय हुआ वहां पे जाकर के उन लोगों ने वहां न्याय दिलाने का काम किया, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी हमेशा काम कर रही है। सोहरतगढ़ विधानसभा का क्या स्थिति होगा, यहां का विधायक कौन होगा, सोहरतगढ़ विधानसभा की तो कांग्रेस जो भी कैंडिडेट आएगा हम लोग उसका समर्थन करेंगे और यहाँ से सीट निकालने का पूरा प्रयास। देख सकते हैं सारे लोग अपने दावा कर रहे हैं, क्या स्थिति है 2022 का विधानसभा का, निश्चित रूप से यहाँ पे समाजवादी की सरकार बनने जा रही है निश्चित रूप से, और यहाँ न कांग्रेस है न बसपा है, कोई यहाँ न जमाधार है न आधार है, अखिलेश यादव की सरकार पूरी रूप से बनी है सोहरतगढ़ विधानसभा में। क्या कह रहे हैं 2022 सोहरतगढ़ विधानसभा का क्या स्थिति होगी, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कौन होगा, सरकार बनाने जा रही पूर्व बहुमत की सरकार जिस तरह से 2007 में बना था उसी तरह से आपके बाद पूर्व बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी। कहाँ बहन जी का सरकार बनेगी, पाँच साल हो रहा है चुनाव आ गया नजदीक, कहीं कोई ना रैली ना कोई जनसभा, नहीं है संगठन ही नहीं है, कहीं रोड पे है ही नहीं है, क्या संघर्ष की लड़ाई लड़ती है, सब समाज की लड़ाई लड़ती है, समाज की बात करती है, सरकार में आती है तो सर समाज की भलाई होती है, वहीं जिसको लोग जान करके मीडिया के लोग उनकी बात को लिखते नहीं है। हम अपनी भागीदारी और ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश की सरकार है गरीबों के ऊपर किसानों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है और बहन जी की सरकार को सराह रहे हैं, गाँव में जाइए गरीबों में जाइए चाहे जिस समाज में जाइए वहाँ लोग बहन जी की सरकार को सराह रहे हैं। नहीं अब की बार नहीं हारेगी, अगले चुनाव में देखिए, अगले चुनाव में हम शिकल पे थे, माननीय जमील सिद्दीकी साहब चुनाव लड़े थे, अब की बार हमारे यहाँ ब्राह्मण कैंडिडेट हैं और ये चुनाव बहुत नामी और बढ़िया कार्य करता है, गरीबों में इनकी पकड़ ज़्यादा है, हर समाज में इनकी पकड़ है, इस नाते अब की बार चुनाव ये जीते। मैं एक किसान का बेटा हूँ, यूरिया रात में मिलता है बीजेपी की सरकार में, किसानों को नहीं मिलता है, हम लोग दल के सिपाही हैं, कार्यकर्ता है, हाँ उसके बाद किसानों से अपील करता हूँ सरकार को काम करने के लिए।
देख सकते हैं हर लोगों की अलग अलग राय है। इस बार जो है गठबंधन की सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, क्योंकि पिछले सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी ने जो है बहुत ही सराहनीय काम किया छात्रों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, और इस बार बीजेपी से लोग उकता चुके हैं। देखिए योगी तेरे जमाने में यूरिया बढ़ रहा है थाने में, और किसान परेशान है। इस बार ये मानिए कि भाजपा का पतन तय है और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगी, गठबंधन की सरकार बनेगी। हमारे साथ महिलाएं हैं, क्या स्थिति है 2022 फॉरम पर विधानसभा का क्या माहौल है? किसी पार्टी का यहाँ पे ना तो बड़ाई कर रही हूँ और ना तो किसी की हिनाई कर रही हूँ। बस मैं इतना कहती हूँ जो जनता का सहयोग देगा, इस 302 विधानसभा में वही विधायक बनेगा, ना तो पार्टी है ना तो जनता, जिसका जिसको जनता चाहेगी वही जिताएगी। मेरा यही कहना है, जो भी पार्टी वाले आते हैं कहते मेरा सपा यहाँ का विधायक बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा, भाजपा वाले अलग कहते कि हमारा यहाँ बनेगा, लेकिन किसी व्यक्ति ये कहता है कि हाँ आज हम चल के किसी गरीब परिवार के या किसी भी गरीब महिला का सपोर्ट करें, कोई नहीं, सिर्फ अपने में ध्यान देता, कैसे कोई कहता है कि हमारा पार्टी जीतेगा। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? हम निर्दलीय लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हर पार्टी वाले हमारे पास आते हैं कि दुर्गा आप हमारा समर्थन कर दीजिए, क्योंकि मात्र 15 दिन में हमने जिला पंचायती वार्ड नंबर 9 से हम जीते थे, बर्नी ब्लॉक से हमारा हर। तो आपके निगाह में कौन पार्टी सही है, किस पार्टी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सोहरगढ़ विधानसभा में कौन विधायक बनना चाहिए? देखिए सर, ना तो हम अपना कहते हैं ना तो किसी का, ये डिपेंड है जनता पे करता है, जिस जनता के सहयोग में जो रहेगा वही इस विधानसभा का विधायक बनेगा। 2022 में क्या बताइए, पार्टी की सरकार बनने जा रही है, कहाँ समाजवादी की बात कर रहे हैं भाई, प्रदेश में योगी सरकार बनने जा रही है, समाजवादी पार्टी में अखिलेश और जब से योगी सरकार आई है जो भी गुंडा है होता है दोनों चल रहा है सारी सरकार में गरीबों के कोल मोड़ा गया है, ठीक है, और जोर बर्बाद किया गया, परेशान किया गया, किसानों को इस तरह जो है पूरी तरह से पीटा गया है, ठीक है, लोग परेशान हुए हैं, सब लोग जो है दो हजार बाईस में सरकार अखिलेश यादव बनाने जा रहे हैं विधानसभा में, हम लोग उसको समर्थन करेंगे और वही जो है सरकार बनाएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की लहर है और अखिलेश यादव की सरकार हमारी पहले से वहाँ जमा है साधन, हम नहीं लाए थे अगली बार जमा किए थे, क्या स्थिति है 302 सौरगढ़ विधानसभा का, क्या स्थिति है? पूरे प्रदेश में सरकार वही बनाएगा जो गठबंधन से चुनाव लड़ेगा, और अखिलेश यादव जी की जहाँ तक बात है फारूक है तुम बोलो, लेकिन अगर आजाद समाज पार्टी को बिना मिलाए वो चुनाव लड़ेंगे, निश्चित है उनको हार का सामना करना पड़ेगा, और किसी की भी सरकार पूर्ण बहुमत से नहीं बन पाएगी, जो भी भाई चंद्रशेखर आजाद को मिला करके चुनाव लड़ेगा उसी को जीत मिलेगी। और चंद्रशेखर को हर पार्टियां अवॉइड करती, बहन जी चंद्रशेखर कहते हैं बुआ जी हम भाई चंद्रशेखर आजाद के तेवर से डरते हैं, डर लगता है कि हमसे बड़ा नेता है, हमसे ज्यादा अनुभवी है, ये हमारी पार्टी को खत्म कर देगा, हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, इसलिए उनको इग्नोर करते हैं। क्या स्थिति है 2022? आप फारूक आप क्या कहना चाहते हैं? फारूक आप क्या कहना चाहते हैं? फारूक फारूक समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 2022 में विधानसभा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है और बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी बनाएगी, क्योंकि विधान पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से 3 सालों से जब से प्रियंका गांधी जी यहां पर प्रभारी बनाई गई है,
केवल एक विपक्ष का एक ही चेहरा वो कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ की मौजूदा यहाँ का विधायक है गठबंधन से जो 2017 में जीता था जब वो नहीं संतुष्ट जनता कैसे सबसे बड़ी सवाल यह है इससे साफ है कि यहाँ पर भाजपा साफ है और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार चंद्रशेखर आज जब सारी पार्टी और सारी पार्टी के नेता अपने एसी वाले कमरे में बैठ करके ट्वीट कर रहे होते हैं चंद्रशेखर आजाद युवाओं की लड़ाई सड़क पर लड़ रहे होते हैं पहले के साथ अत्याचार होता है इस समय उत्तर प्रदेश में कोई यहाँ की सीट निकलेगी अखिलेश यादव का भाजपा का भाजपा क्यों नहीं निकलेगी हर चीज बना रही है भाजपा केवल भाजपा का यही काम है हिंदू और मुसलमान की लड़ाई करवाता है ठीक है और इनका कोई काम नहीं है पहली बात है कि बाइक में बाइसाइकिल चलेगी और भाजपा जो नफरत की राजनीति करती है हिंदू मुस्लिम करती है मंदिर मस्जिद करती है दंगा करवा के एक कम्युनिटी को टारगेट करती है ठीक है इसीलिए 22 में 22 साल का 5 साल में ना तो कोई दंगा ना तो कोई मुसलमान शोषण कहां करे दंगा यही सरकार करती है दंगा त्रिपुरा में यही लोग करवाते हैं यही लोग करवाते हैं दंगा टीम मिसिंग नहीं है बी टीम है भाजपा के भाजपा का जो एकदम अवेशी जो है भाजपा के बी टीम में एक पहलू के दो सिक्के हैं एक तरफ भाजपा की तरफ अवेशी वो भी भाजपा की प्रचार करते हैं लेकिन दूसरे तरीके से जो है अवेशी साहब भाजपा के एक अच्छे वर्कर हैं अरे क्या पाठक जी अच्छे वर्कर जी क्या स्थिति है 2022 में समाजवादी पार्टी जे अखिलेश के समाजवादी अच्छा 2022 में सपा से कौन निकलेगा चुनाव जो प्रत्याशी होगा जो टिकट पाएगा उसे जीतेगा सपा जीतेगी क्या स्थिति है 2022 में किसकी सरकार है कैसे भाजपा जो किया वो कोई नहीं कुछ किया क्या किया क्या किया हमने दिया गया अरे बोले दे बोले दे बोलो 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 महंगाई क्या है हमसे हम गरीब हमसे ले रहे हमें दे रहे हैं बात खत्म बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहन जी ने इतना मतलब अर्ध के और इंटर तक बच्चे पड़े उनको सफाई कर्मचारी की नौकरी दी और उन्हीं के आधार पर सरकार बनेगी तो लोग नौकरी मिलेगी आप बताइए 5 साल आपका हो गया माननीय मुख्यमंत्री उसके बाद 5 साल माननीय अखिलेश यादव जी का हो गया आप बताइए बच्चे कब लिखे पड़े हैं जो नौजवान नौकरी पाए हैं जो गाँव गाँव छूटे हैं आप बताइए कहीं बता देते फरमाने चुनाव क्षेत्र देख लीजिए तो आप ये सोचते कि भले तुम्हारी बार मुख्यमंत्री बनती है तो कम पढ़े लिखे बच्चों की नौकरी मिलेगी अब की अखिलेश की सरकार आई तो विकलांगों का सुविधा मिलेगा अच्छा हाँ इससे पहले मिला हाँ अरे नहीं जा यार बाबा सरकार को क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं कार्ड रहते हो ये अंगूठा नहीं आई तो गल्ले नहीं मिली तो फायदा गठबंधन की सरकार बनेगी कैसे 2012 तो रिपीट होने जा रहा है 2022 में जो है अच्छा क्या मुद्दा रहेगा मुद्दा ही महंगाई है भ्रष्टाचार है जो है हाँ सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का जो है अभी तक उनकी बात नहीं मानी गई जो है लॉलीपॉप दिया जा रहा है जो है उनको धोखा दिया गया है जो पंजाब जिले के उसके बावजूद भी उनको धान नहीं मारी जा रही है कुर्सी खाली रहती है तो कहते हैं रियल भरा हुआ तो 5 रुपया ना बचा पाओ हां तो पढ़ने में कोई स्टैंड नहीं है ऐसा मुद्दा है और सब की बार बहुत सुधार पार्टी की सरकार बनेगी दूर का कोई नहीं दिख रहा है सपा सरकार बनाने जा रही है ठीक है इसके आगे कोई मैं बता दूं कि भाजपा सरकार से इस उत्तर प्रदेश की 70% जनता परेशान है वो भाजपा को बदलना चाहती है
लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी अकेले नहीं बदल पाएंगे, और अखिलेश यादव जी को अगर इस 70% जनता की चिंता होगी तो सारे छोटे दलों को एक साथ लेकर के चुनाव लड़ेंगे और भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे। साथ में लेकर चल रहे हैं, छोड़ते हैं और निज स्वार्थ में सिर्फ सत्ता का मजा लेने के लिए, उन्हें फिर 70% लोगों की चिंता नहीं है, सिर्फ उन्हें सत्ता की चिंता है, उन्हें मुख्यमंत्री बनने की चिंता है, उन्हें जनता की चिंता नहीं है। युवा वो बेरोजगारी से परेशान है, किसान और मजदूर महंगाई से परेशान है। ऐसी दशा में अगर अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश की जनता की चिंता होगी, गरीब और महिलाओं की चिंता होगी, तो निश्चित है कि सारे छोटे दलों को साथ लेकर के और सरकार बनाएंगे। अगर चंद्रशेखर भाई को साथ नहीं लेंगे, ये मेरा दावा है कि अखिलेश यादव सरकार नहीं बना पाएंगे। मिला जुला सारे यहाँ की जनता का राय है, कोई कहता है समाजवादी पार्टी की बनेगी, कोई कहता है भाजपा की बनेगी, कोई कहता है बसपा की बनेगी, और कोई कहता है कि जब तक आजाद समाज पार्टी को कोई गठबंधन में नहीं लेगी उसकी सरकार नहीं बनेगी। तो अब ये देखना है कि आचार संहिता लग गया है और उसके बाद अब टिकट का वितरण भी होगा, और 2022 का विधानसभा 302 सोहरतगढ़ से कौन चुनाव जीतेगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सिंहासन की कुर्सी पे कौन विराजमान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, 302 सोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर।